बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा अल्प समय के लिए छतरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगामी त्योहारों को लेकर बधाई देते हुए अगले साल होने वाली विधानसभा और लोकसभा की तैयारी में लगने का आह्वान किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस छल कपट की राजनीति करती है। उन्होंने कांग्रेस के संगठन चुनाव को भी मजाक बताया। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने ओबीसी महासभा में लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी करने पर भी कहा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सबका साथ सबका विकास के आधार पर कार्य करती है, तो किसी एक धर्म के लोगों के लिए काम नहीं करती। दशहरे की बहुत बहुत एक दूसरे को शुभकामनाएं हमने दी होगी, लेकिन उसके बाद दशहरे का जो पर्व होता है ये हम सब लोगों के लिए बड़ा अपने सांस्कृतिक स्तर पर हर व्यक्ति के मन के अंदर ये संकल्प के लिए पर्व होता है कि देश और समाज के अंदर असत्य पर सत्य की विजय का वो पर्व है, बुराई पर अच्छाई के प्रतीक का पर्व है। हम हर साल दशहरे को मनाते हैं, लेकिन हर दशहरे पर वे संकल्प लेते हैं कि हमारे मन के अंदर कोई बुराई है तो वो बुराई समाप्त हो, उस बुराई पर हम विजय प्राप्त कर सकें। मूल रूप से यही भाव पूरे देश और दुनिया के अंदर दशहरे के पर्व पर होता है। कांग्रेस के अंदर कौन सी बुराई है ये तो उनको ही खोजना पड़ेगी, लेकिन कांग्रेस के खून में जींस जरूर है, वो जींस है फूट डालो राज करो। किन किन बातों पर लोगों को भड़काया जा सकता है ये उनके खून में है और इसी आधार पर वो राजनीति करते हैं। झूठ छल कपट ये वो जो राजनीति करते हैं जो देश अब स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा तो काम है, मुझे काम दिया भारतीय जनता पार्टी का, अपना काम आगे बढ़े तो हम अपने काम का विस्तार और काम का सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, हम दूसरों के बारे में चिंता नहीं कर रहे।